हे दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में जो है मेरे सामने है Hyundai Venue का टॉप मॉडल SXO डीजल। इस वीडियो में जो है दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा कि Hyundai Venue में जो है ओनर ने कौन कौन से मॉडिफिकेशंस कराए हुए हैं। तो दोस्तों, सामने की तरफ से जो है आप गाड़ी को एक बार पूरा देख सकते हैं कि सामने की तरफ से जो है गाड़ी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। वैसे दोस्तों, Venue के टॉप मॉडल में जो है आपको लगभग सारे फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ फीचर्स जो है ओनर ने अपने डिमांड पर लगाई हुई है। पहली चीज की अगर मैं बात करूं कि एज ए एक्सेसरी ओनर ने कौन सी चीज लगाई है, वो है दोस्तों ये। आप देख सकते हैं कि इंडिकेटर के नीचे जो है एक क्रोम की पट्टी, ये चीज जो है ओनर ने अपने टेस्ट के हिसाब से लगाई हुई है। ये चीज जो है दोस्तों दिखने में बहुत ज्यादा प्रीमियम लग रही है। उसके नीचे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, Venue में जो है आपको टॉप मॉडल में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं विद DRL। अब ओनर ने जो है आफ्टर मार्केट इसके सराउंड में जो है एक क्रोम की पट्टी भी लगाई है। अब दोस्तों, पर्सनली बहुत से लोगों को क्रोम पसंद नहीं आता, लेकिन मुझे क्रोम जो है बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अगर मैं दोस्तों बात करूं ग्रिल की, दोस्तों ग्रिल को जो है बिल्कुल स्टॉक रखा गया है। आप देख सकते हैं कि पूरी ग्रिल जो है आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग के साथ देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ ब्लैक की मोनोपोली को हटाने के लिए जो है यहाँ पर आपको एक रेड कलर का इंसर्ट भी देखने को मिलेगा। ये चीज जो है दोस्तों आपको कंपनी के द्वारा ही जो है की गई मिलती है। अगर मैं दोस्तों बात करूं दूसरे तरफ की, तो दोस्तों दूसरे तरफ में भी जो है आपको सेम ही चीज देखने को मिलेगी। नीचे भी जो है आपको थोड़ा सा और क्रोम के यूजर्स देखने को मिलेंगे। अगर मैं गाइस बात करूं साइड लुक की, कि साइड से जो है ये गाड़ी कैसी लगती है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको लगभग हर चीज कंपनी फिटेड ही मिल जाती है। जैसा कि दोस्तों मैंने कहा, ये जो है डीजल का टॉप मॉडल है। अब अगर मैं बात करूं मॉडिफिकेशंस की, कि ओनर ने जो है कौन कौन सी एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशंस की है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि जो क्रोम डोर हैंडल कंपनी फिटेड आती है, उसके सराउंड में जो है ओनर ने टेस्टफुली और थोड़ा सा क्रोम एड किया है। ये चीज जो है दोस्तों दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। उसके नीचे जो है दोस्तों आपको आई पॉप देखने को मिलेगा, जिसको जो है हम जनरल लैंग्वेज में डोर गार्ड भी कहते हैं। और साथ ही साथ ओनर ने जो है ORVM में भी जो है थोड़ा सा क्रोम यूज किया है। अगर मैं दोस्तों बात करूं ओवरऑल लुक की, कि गाड़ी जो है साइड से कैसी लग रही है, तो दोस्तों मुझे पर्सनली जो है गाड़ी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। स्पेशली जो रेड एलिमेंट्स आपको जो है कंपनी फिटेड मिलती है, उसके कारण जो है गाड़ी बहुत ज्यादा स्ट्राइकिंग लग रही है। अब दोस्तों हम चलेंगे पीछे की तरफ, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आप सभी को बता दूं कि आप जो है जब भी गाड़ी खरीदे, ये चीज जो है लगाना मत भूले। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पेट्रोल गाड़ी ले रहे हो तो ये चीज जो है आपको पेट्रोल के लिए भी मिल जाएगी। ये चीज बिल्कुल लगाइए, नहीं तो दोस्तों ऑन ए बैड डे जो है आपका बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। अगर मैं दोस्तों बात करूं बाकी मॉडिफिकेशंस की, तो यहाँ पर जो है आपको एक क्रोम की लाइनिंग देखने को मिलेगी, जो कि आफ्टर मार्केट लगाई हुई है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है जो हम रेन वाइजर या फिर डोर वाइजर कहते हैं, वो चीज भी जो है सर ने आफ्टर मार्केट ही लगाई है। और साथ ही साथ जो ऊपर के रूफ रेल्स है, ये जो है दोस्तों आपको कंपनी फिटेड ही देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों मैं जो है Hyundai Venue के पीछे की तरफ आ चुका हूँ, और पीछे से जो है आपको ये गाड़ी चेक करा रहा हूँ। तो पीछे से जो है लगभग गाड़ी को स्टॉक ही रखा गया है, लेकिन यहाँ पर जो है आप देखोगे कि टेल लैम्प को जो है क्रोम से सराउंड किया गया है, और साथ ही साथ नीचे जो है एक बुल गार्ड भी ऐड किया हुआ है, जो जिसमें जो है आपको लिखा हुआ मिलेगा फॉर Hyundai Venue। अब दोस्तों ये चीज जो है मैं आपको रेकमेंड तो नहीं करता, लेकिन चूंकि ओनर ने जो है ये चीज अपने टेस्ट के हिसाब से लगाई है, तो मेरे को जो है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ की, दोस्तों यहाँ पर जो है आपको थोड़ी सी ब्लैक शेड देखने को मिलेगी, इट्स नॉट दी जेट ब्लैक, और ये जो है लगभग 50 या फिर 60% के आसपास ब्लैक मेरे को लग रही है। अब अगर मैं बात करूं इंटीरियर्स की, दोस्तों इंटीरियर में जो है कोई खास मॉडिफिकेशंस की जरूरत भी नहीं थी। जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, ये टॉप मॉडल है, इसमें जो है लगभग सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। मॉडिफिकेशंस पे जो है दोस्तों आपको आफ्टर मार्केट यहाँ पर फ्लोरिंग कराई गई है, जो कि जो है बहुत अच्छी लग रही है। और साथ ही साथ सीट कवर्स लगाने के लिए जो है सीट अभी फिलहाल खुली हुई है, मैं वो चीज भी जो है आपको जरूर दिखाऊंगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो है आप Venue का टॉप मॉडल इन अ जनरल देख सकते हैं कि सारे फीचर जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। ये चूंकि डीजल वेरियंट है या टॉप वेरिएंट है, यहाँ पर जो है आपको रेड के एक्सेंट्स भी देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपको एक एयर प्योरीफायर भी देखने को मिलेगा। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि गाड़ी की जो है सीट कवर्स कैसी लगाई हुई है। यहाँ पर जो है गाइस, मैं आपको दिखा रहा हूँ Hyundai Venue, जो कि मैंने आपको वहां दिखाई, उसके सीट कवर्स की, गाड़ी में जो है सीट कवर्स कैसे लगने वाले। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप डिजाइन देख सकते हैं कि भैया जो है यहाँ पर सीट कवर्स लगा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ इस सीट की, दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन ब्लैक और सिल्वर का सर ने जो है चूज किया है। वैसे अगर मैं बात करूँ कि इसमें कौन सा डिजाइन बना हुआ है, तो दोस्तों जो हम जनरल लैंग्वेज में कहते हैं बर्फी वाला डिजाइन, वो चीज जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर मैं दोस्तों बात करूँ कि एज ए होल लुक आपको
आपको कैसा लग रहा है। तो दोस्तों मुझे पर्सनली जो है लुक बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप जो है देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये सीट अभी वर्क इन प्रोग्रेस वाले मोड में है। जब जो है ये चीज कम्प्लीट हो जाएगी तब जो है मैं आपको एक ओवरऑल ओवरव्यू जरूर दूंगा। यहाँ पर जो है दोस्तों आप सीट कवर की लुक ले सकते हो कि सीट कवर जो है दिखने में कैसी लग रही है। मुझे जो है दोस्तों पर्सनली बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। अभी जो है दोस्तों काम पूरा नहीं हुआ है, पीछे के सीट कवर जो है अभी तक नहीं लगे हैं, लेकिन एज ए होल मेरे को पर्सनली सच में सीट कवर्स बहुत ज्यादा पसंद आए हैं। आप देख सकते हैं ब्लैक और सिल्वर का कॉम्बिनेशन और नीचे बेज कलर सच में प्रीमियमनेस को और ज्यादा एनहेंस कर रहे हैं, और फिटिंग वगैरह भी जो है दोस्तों वो आपको डिसेंट क्वालिटी की देखने को मिलेगी। तो गाइज यहाँ पर जो है मेरे साथ शॉप के ओनर दीपेन भैया है और यहाँ पर जो है मेरे साथ राकेश भैया है। तो मैं दीपेन भैया से पूछूंगा कि जो काम जो है सर लोगों ने वेन्यू में कराया उसकी जो है कॉस्टिंग कितनी आएगी, एक आइडिया, क्योंकि अभी गाड़ी जो है गाड़ी का काम जो है दोस्तों वो अभी तक फिनिश नहीं हुआ है, तो एग्जैक्ट प्राइसिंग बताना थोड़ी सी एक मुश्किल बात है, लेकिन एज जस्ट फॉर रेफरेंस कि ये जो है कितनी कितने कीमत में जो है ये चीज हो जाएगी। 15-20 हज़ार के अंदर में हो जाएगी। ये जो है 15-20,000 जो कि एक रीजनेबल प्राइस है उसके अंदर जो है वो चीज हो जाएगी। अगर मैं पूछूं कि आपके शॉप में जो है कोई अगर टच स्क्रीन वगैरह लगाना चाहे तो क्या वो सब चीजें भी जो है शॉप में अवेलेबल है? तो बिल्कुल दोस्तों, अगर आप किसी भी गाड़ी का बेस वेरिएंट वगैरह ले रहे हो जिसमें जो है आपको ऑडियो सिस्टम वगैरह लगाना है तो आप बिल्कुल जो है शॉप का नाम खुशी कार केयर, जो कि जो है मारुति सुजुकी की जो आरडी मोटर्स है या फिर ट्रू वैल्यू जो खुतिकटिया नौगांव में है उसके सामने जो है आप खुशी कार केयर में आ सकते हो, दीपेन भैया से मिल सकते हो, राकेश भैया से मिल सकते हो और अपनी गाड़ी में जो है अपने स्वाद अनुसार मॉडिफिकेशन करा सकते हो।